गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं। ये मत बोलो अंकल, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आएगा। मैंने भी लॉटरी टिकट निकालना शुरू कर दिया है। मार्केट में एक फर्स्ट क्लास स्कीम आई, एक का तीन गुना मिलता है। दोस्तों, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की शानदार जोड़ी को एक बार फिर से देखने के लिए फैंस हेरा फेरी 3 फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने हेरा फेरी 3 को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट पर मेकर्स एक बार दोबारा से काम कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला फिल्म की कहानी से सहमत नहीं हैं। फिल्म के लीड एक्टर सुनील शेट्टी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्होंने फिल्म का प्रोमो शूट कर लिया है और फिल्म की शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हेरा फेरी 3 की शूटिंग सितंबर 2024 से स्टार्ट कर दी जाएगी। फिलहाल अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो इसी साल रिलीज होने वाली है। फिल्म हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिर साल 2006 में इसका सेकंड पार्ट आया और अब कई सालों बाद फिल्म का थर्ड पार्ट आने वाला है। फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर ये खबर आई थी कि फिल्म में अक्षय कुमार को कार्तिक आर्यन ने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि अब मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि अक्षय कुमार फिल्म में लीड रोल में रहेंगे और कार्तिक आर्यन भी इस फिल्म में नजर आएंगे। हालांकि कार्तिक आर्यन का रोल अभी फाइनल नहीं किया गया है। इन सभी के अलावा इस फिल्म में जॉनी लीवर और राजपाल यादव भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कॉमेडी का भरपूर मजा देने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।